चले भाई साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसन बा, ठीक बा, लेट हुईगा, ठोको ताली, कोनो दिक्कत नहीं भाई, जल्दी से आई जाओ। और जो भी इंतजार कर रहे थे, जो भी किसी ना किसी की शादी में जाने की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जाने की बात, वो बोल रही है कि इसकी शादी में जाएंगे, चलो ज्यादा सबसे पहले इधर आ जाओ। मां साहब आपका इंतजार खत्म करते हैं और शुरुआत करते हैं पढ़ने की। रतलाम जिला पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जिलेवार जो श्रृंखला चल रही है पूरी जोश खरोश के साथ में, रतलाम जिला आज ही एक लेक्चर में कंप्लीट होगा। चलो आई गया हूं भाई, चालू ही करे, बहुत देर लगा दी, हाँ हो जाती है, अभी 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 ही बोला गया है यहां पर प्राची के द्वारा कि मैं देर करता नहीं बल्कि देर हो जाती है। चलिए शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप जल्दी से लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि जिलेवार के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, हालांकि गैप हो रही है, इसके कारण से बहुत सारे बच्चे टूट भी रहे हैं। तो लिंक शेयर कीजिए, जल्दी से पहुंचाइए और उनसे कीजिएगा भाई एक ही लेक्चर में, आज ही अब भी यही जगह पर, यही के यही एक की लेक्चर में रतलाम जिला समाप्त, ठीक है ना। तो रतलाम जिले की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं और उसमें समझते हैं हम, आगे बताता हूं मैं। चले भाई, राम राम शिवानी मुकेश नुपुर नंदिनी और आयुष अखिलेश तुकाराम संध्या उषा लक्ष्मी एंडी सिंह सुमन सुनील दिलीप संध्या और प्राची मेहरवान आकाश अनिल विकास ज्योति सेन दीपक मुन्नालाल आशा सपना अरुण गिरवा डॉक्टर अंबेडकर साहब भी पढ़ रहे हैं क्या, बाबा साहब को प्रणाम करता हूं और बिहार सभी को राम राम। और चलो शुरू करता हूं, और मैं बता रहा हूं मैं कि चल रहा है आपका उज्जैन संभाग। क्या चल रहा है मेरे दोस्त? उज्जैन संभाग। जो विद्यार्थी अगर नए हैं तो मैं उन्हें पहले ही बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आप ये चेक करो कि आपको अगर एमपी जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, गणित पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो सत्यजी शर्मा क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। उज्जैन संभाग में मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले मैंने 8 जिले पढ़ाए जबलपुर संभाग में, 8 जिले पढ़ाए मैंने इंदौर संभाग में, और 7 जिले पढ़ाना है मुझे उज्जैन संभाग में। अब मैं बता दूं कि 8 समाप्त हो चुके हैं, ये 8 मतलब कि 16 जिले समाप्त हो चुके हैं, 5 जिले में पढ़ा चुका हूं उज्जैन संभाग में, 6ठा जिला चलेगा आपका रतलाम और 7वां जिला रहेगा आपका शाजापुर, इसके साथ में उज्जैन संभाग भी समाप्त। तो जो सबसे ज्यादा जिले वाले संभाग रहे वो समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ाया जाएगा सागर संभाग, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम, इस तरह से शहडोल संभाग और जिलेवार सीरीज समाप्त होगी, ठीक है ना। जिले के वीडियो है वो सभी तो नॉन साइट वाले नहीं बेटा, सारे के सारे वीडियो उपलब्ध है, आप कहीं भी जाकर कोई सा भी वीडियो मध्य प्रदेश जीके के संदर्भ में आप देख सकते हैं, सारे वीडियो उपलब्ध है, ठीक है नंदिनी। ओके शुरू कर दो क्या? ठीक है। अरे सत्येंद्र पाल, तुम अमाई शादी की चिंता ना करो, तुम तुम्हारी शादी की चिंता करो, तुम्हारा भविष्य संवारो, हमारा भविष्य तो सबरा सबरा होगा, ठीक है ना। हमारी शादी हुई नहीं हुई, हमारी सगाई का मतलब, एकलव्य एकेडमी वाले कह रहे हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भाई शान मंडलोई, जय आदिवासी, जय भीम, नमस्कार, ठीक है। चलो आज जाओ भाई, आज जाओ, जल्दी से लिंक शेयर कर दिया। ओके देखो, ये है मध्य प्रदेश का नक्शा, जो है तो हमारा मध्य प्रदेश, जो जब हमारा मध्य प्रदेश है तो एक एक चीज देखना, यहां से सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वो क्या है? सबसे पहली चीज देखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के नक्शे में, ये मध्य प्रदेश के नक्शे में मैं आपको हर बार जितने भी लेक्चर पढ़ाता हूं सब बार बताता हूं, ये मध्य प्रदेश के लेक्चर में, ये मध्य प्रदेश के नक्शे में S4, ये है सिंगरौली और ये है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, यह क्रम पूछा जाता है। फिर ये है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, A4 अलीराजपुर, ये है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। ये है आपका यहां पर बुरहानपुर, B4 बुरहानपुर, ये है आपका सबसे दक्षिणी जिला, और ये सबसे ऊपर चले जाओगे तो यहां पर आता है आपका मुरैना, M4 मुरैना, और ये है आपका सबसे उत्तरी जिला, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले, पश्चिमी जिले, दक्षिणी जिले, उत्तरी जिले। अब आ जाइए आप उज्जैन संभाग में। अब जब आप उज्जैन संभाग में जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि उज्जैन संभाग में जो 7 जिले पड़ते हैं वो 7ों जिलों में से रतलाम जिले की स्थिति कहां पर है, तो आप देखिएगा, ये आपका आता है N4 नीमच जिला, ये आता है आपका M4 मंदसौर जिला, ये आता है आपका R4 रतलाम जिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर आता है आपका U4 उज्जैन जिला, यहां पर आता है A4 आगरमालवा, AM4 आगरमालवा जिला। समझ में आ रहा है?
और यहां पर आप आते हो तो SH4 आता है साजापुर जिला, और यहां पर आते हो तो आपको मिलता है D4 देवास जिला। एक बार गिनती कर ले क्या, 1 2 3 4 5 6 7 तक, नीमच 1 मंदसौर 2 रतलाम 3 आगरमालवा 4 उज्जैन 5 साजापुर 6 देवास 7। अरे बहुत ही बढ़िया, पूरे 7 के 7 हो गए। अब कौन कौन से पढ़ा दिए, जो मैंने पढ़ा दिए उस पर ब्लैक टिक कर देता हूं। सबसे पहले उज्जैन पढ़ा चुका हूं, उसके बाद में पढ़ाया देवास पढ़ा चुका हूं, आगरमालवा ये भी पढ़ा दिया, नीमच ये भी पढ़ा दिया, मंदसौर ये भी पढ़ा दिया, रतलाम पढ़ा रिया हूं, और बच जाएगा साजापुर, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे उज्जैन संभाग। रेडी हो? चलिए अब क्या है पढ़ने लायक। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये मैं आपसे वहां पूछ चुका हूं। सर मेरा मतलब है कि हाथ से लिखा हुआ और उसमें प्रॉपर कुछ दिख नहीं रहा है, तो उससे नोट्स कैसे बनाए। अच्छा कुछ दिख रहा, देखो जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, जो वीडियो लग चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो फिर अगर ये समस्या सिर्फ आपको आ रही है तो फिर वो आपके ही क्वालिटी में कोई ना कोई दिक्कत होगी। हाँ भाई जल्दी कंटिन्यू, राहुल गुर्जर, ठीक है ना, ठीक है ओके। तो भाई साहब ये रतलाम जिला है, तो ध्यान से देखिए इधर देखो, इधर क्या कह रहा है वो, अगर मैं कहूं इस नक्शे के हिसाब से ये स्टडी बेस्ट है, ये रतलाम के नीचे आता है J4 झाबुआ जिला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आता है D4 धार जिला, ये इधर आ गया उज्जैन, ये मंदसौरी आगरमालवा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रतलाम जिला मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है, तो रतलाम नीचे दक्षिण में देखोगे तो झाबुआ और धार को छूता है, इधर आप पूर्व में देखोगे तो उज्जैन को और आगरमालवा को छूता है, और इधर उत्तर की ओर देखोगे तो यह मंदसौर को छूता है, और पश्चिम की ओर देखोगे तो यह राजस्थान राज्य को स्पर्श करता है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए यहां से प्रश्न निकालिएगा कि रतलाम जिला मध्य प्रदेश के नक्शे में पश्चिम क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के नक्शे में पश्चिम में रतलाम जिला आता है, रतलाम जिला पश्चिम में आता है, साथ ही साथ याद रखिएगा वह मध्य प्रदेश के झाबुआ 1 धार 2 उज्जैन 3 आगरमालवा 4 और मंदसौर 5 जिलों को छूता है, और एक राज्य राजस्थान को छूता है, यहां कह सकते हैं हम यह सीमावर्ती जिला है। जैसे मैं कहूं ये आपका है देवास, तो देवास किसी भी दूसरे राज्य को नहीं छूता है, तो ये किसी अन्य राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है, रतलाम इसका सीमावर्ती जिला है। बोलो क्लियर हुआ यहां पर, ठीक है ना। 12:30 जमा कर दिया सर, बहुत बढ़िया भाई, ओके। हाँ एक एक चीज मैं क्या कह रहा हूं, जब प्रश्न बनेगा तब बाबा महाराज शेखावत याद आएंगे, और आप कहोगे यार वो कितनी बारीकी से बता रहा था कितने जिले छूते हैं, प्रश्न बनने में देर नहीं लगती है। मैं तो प्रश्न यहां से भी कह दूं कि कर्क रेखा 14 से 14 जिलों से गुजरती है, अगर आपने रटा है कि 14 जिलों से गुजरती है तो आपको एक चीज और याद रखना होगा कि कर्क रेखा जब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले रतलाम से ही निकलती है, सबसे पहले रतलाम से ही निकलती है। तो यह प्रश्न बहुत पुराना है कि कितने जिलों से निकलती है, प्रश्न यह नया है कि सबसे पश्चिम में किस जिले से निकलती है, तो फिर उत्तर आएगा क्या, रतलाम। बोलो क्लियर है, ओके ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आज से 6 बजे से शाम से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो पेड बैच जो आपका सत्यजीत शर्मा क्लासेस के अपने एप्लीकेशन पर है, 6 से 7 लाइव क्लास रहेगी, उसमें अपने साकेत सर की रीजनिंग पढ़ाएंगे, 7 से 8 रहेगी ठाकुर सर की मैथ्स पढ़ाएंगे, 8 से 9 मेरी क्लास रहेगी MPGK की, जिसमें आपको मैं जनजातियां पढ़ाने जा रहा हूं जहां से प्रश्न बनते हैं, और बहुत सारे संवैधानिक प्रारूप जो उनके संबंध में वो, और 9 से 10 में आपकी क्लास रहेगी सामान्य जो आपके साइंस से अग्रवाल सर पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी एडमिशन नहीं लिया है इच्छुक है वो जल्दी से सत्यजीत शर्मा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए और आज ही क्लास के साथ पहली क्लास के साथ जुड़िएगा, ठीक है ना। और जो हिंदी की क्लास थी उसका टाइम चेंज हो गया है, वो टाइम कितने बजे हो गया, दोपहर में 3 से 4। पुनः सुनिएगा, हिंदी की क्लास जो चलती थी 6 से 7 जिसका समय था, दुर्गेश सर पढ़ाते थे, वो 3 से 4 हो गया है, क्योंकि 5 से 6 में गुप्ता सर की करंट अफेयर्स की आज क्लास स्टार्ट हो रही है, पहला लेक्चर है। तो मेरे दोस्त नवंबर 2019 से जो करंट अफेयर्स आपके काम का है वो गुप्ता सर के मुख जीवानी आप पढ़िएगा आज, मस्त, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है मनीष चौहान जी, आइएगा आगे, नेक्स्ट पर आते हैं। ये है रतलाम जिले का नक्शा, कौन सा है, रतलाम जिले का नक्शा, और रतलाम जिले के नक्शे में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ओके। कितनी तहसील है रतलाम जिले के नक्शे में, कितनी तहसील है,
संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा मैं बता दूं, यहां पर ये है आलोट, कौन सी तहसील है, ये आलोट तहसील है। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो ये आलोट तहसील है, ठीक है ना। ये कौन सी तहसील है, ताल। ये कौन सी तहसील है, ताल, ठीक है ना। ये कौन सी तहसील है, जावरा, बहुत फेमस तहसील है जावरा, ठीक है ना। ये कौन सी है, पिपलोदा। कौन सी है, पिपलोदा तहसील, कौन सी है, पिपलोदा, जावरा के बाद में, ठीक है ना। ये मुख्यालय जहां पर आपको काला बिंदु दिख रहा है वो रतलाम जिले का मुख्यालय, ये मुख्यालय मतलब कि खुद जो है इसमें रतलाम जो है खुद एक तहसील है, ठीक है ना। यहां पर है सेलाना, सेलाना वन्य जीव अभ्यारण आपने पढ़ा होगा, सेलाना। यहां पर तहसील है बाजना, कौन सी है, बाजना, और साथ में यहां पर है राउटी, ठीक है ना। तो ये तहसीलों की संख्या गिनो, पूरी 8 की 8 तहसील आपके सामने लिखी हुई है, पूरी 8 की 8 तहसील जो लिखी हुई है उसमें आप देखिएगा जल्दी से, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हटाने में चला जाएगा फिर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि रतलाम जिले की कौन कौन सी तहसील कहां पर आती है, रतलाम जिले की तहसीलों का आप, हां गुप्ता सर डेली पढ़ाएंगे, सत्येंद्रपाल लेना है आपको पेड, ठीक है। जब भी एमपीजी के पढ़ता हूं बाबा शेखावत की याद आती है, ठीक है। अजय राठौर जी रतलाम की सेलाना तहसील से, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा सावित्री रावत अब यहां जान पहचान बढ़ा रही है, कलावती डावर से पूछ रही है आप कहां से हो, कहां से हो बेटा, वो झाबुआ से है, क्या करना बेटा, अलीराजपुर से है वो। चलिएगा, चलिए तो मैं कह रहा हूं कि रतलाम की स्थिति है, अब रतलाम में कितनी है तो देखिएगा, रतलाम जिला मुख्यालय कौन सा होगा, रतलाम होगा। सेलाना एक तहसील होगी, रावटी एक तहसील होगी, बाजना एक तहसील है, पिपलोदा तहसील है, जावरा तहसील है, ताल तहसील है और आलोट तहसील है। इन तहसीलों के संदर्भ में भी जब जब नाम आएगा आपको याद रखना होगा। बोलो हो पल्ले पड़ रही, ठीक है आगे बढ़े, पेमेंट कर दिया भाई जिनका होगा वो बिल्कुल टेंशन ना लो। प्रवीण जी कह रहे हैं मैं सेलाना से हूं, दीपावली के बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना, वैसे भी जो सरकार कहेगी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अब शुरू हो जाओ अब पढ़ने के लिए रतलाम को, ठीक है ना। ये देखो यहां से जो आपको चीज नहीं पता थी वो देखिएगा, सब एक एक महत्वपूर्ण चीज है। वो कह रहा है गठन कब हुआ, गठन रतलाम जिला स्वतंत्र भारत में कब अस्तित्व में आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1948 में रतलाम जिले का गठन हुआ, और 1949 में रतलाम जो था 1949 में अधिकृत कर दिया गया मध्य भारत प्रांत में। आपको याद होगा कि भारत में मध्य प्रदेश जो था एबीसी 3 पार्ट में बटा हुआ था, एक ही राजधानी थी नागपुर। ध्यान से सुनना, मैंने जो पढ़ाया वो सब याद आएगा, मैंने जो पढ़ाया वो सारा काम का है। बी की राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर, सी की राजधानी थी रीवा, और सी का ही पार्ट में जोड़ा गया था भोपाल रियासत, और भोपाल की जो राजधानी थी वो भोपाल स्वयं ही था रियासत। तो जो पार्ट बी था जिसकी इंदौर और ग्वालियर राजधानी थी उसमें 26 रियासतें थी, उन 26 रियासतों में एक रियासत रतलाम भी थी, याद रखिएगा। आपको याद होगा कि भारत की आजादी के बाद में जब बहुत सारी रियासतों का गठन चल रहा था, जब सरदार पटेल साहब उसके एकीकरण में लगे हुए थे, जिनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को गया एकता दिवस, तब मध्य प्रदेश के पार्ट बी जब वहां पर सिंधियाओं और होलकरों का राज था, तो जीवाजी राव सिंधिया पार्ट बी के प्रमुख बनाए गए मध्य प्रांत के, और उस मध्य प्रांत रियासत को भारत के हिस्से में लाया गया। तब मध्य प्रांत की रियासत के साथ साथ रतलाम भी मध्य भारत के साथ साथ भारत के हिस्से में आया। जब भारत के हिस्से में आया, हमने यह कहा है कि आजादी के बाद इसका गठन हुआ था, जो कि एक रियासत के तौर पर था। मैं इतिहास में बताने वाला हूं कि यह रियासत किसके नाम पर थी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना 5 मिनट का, ठीक है ना। हाँ, राजा रतन सिंह की रियासत थी, पवननाथ सुन बता रहे हैं, इंतजार करो भाई बताता हूं। नोट, एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत में है गठन, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश भारत में कैप्टन बॉर्थविक ने 1829 में रतलाम शहर की स्थापना की थी, जो राजा महाराजाओं से परे ब्रिटिश शासन के अंदर काम करता था। परे का मतलब होता है उनसे दूर। तो कैप्टन बॉर्थविक का एक अहम योगदान 1829 में इस रतलाम शहर की स्थापना में देखा जाता है ब्रिटिश शासन काल में। अब आगे देखेंगे,
उपनाम, इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इंदौर को वित्तीय राजधानी कहते, आर्थिक राजधानी कहते, कपड़ा राजधानी कहते, खेल राजधानी कहते, शिक्षा राजधानी कहते हैं, तो ऐसे ही जब प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य, किस जिले का क्या नाम होगा, तो मैंने क्या कहा था, राजस्थान का सीमांत प्रहरी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि मंदसौर को कहा जाता है, कहा ना मैंने, मैंने कहा हीरा जिला किसे कहते हैं? तो हमने क्या कहा था, पन्ना को पढ़ाता हूं, पन्ना को बताऊंगा मैं, तब कहा था। इसी तरह से आप देखिएगा, सेव नगरी, सेव मतलब सेव परमल वाला जो सेव आता है ना, बेसन की जो सेव बनती है, लौंग की, बेसन की, वो सेव, खाने वाली सेव की बात कर रहा हूं। सेव जो है सेव नगरी कहा जाता है। सोना नगरी, रतलाम मध्य प्रदेश में शुद्ध सोने की बिक्री के लिए जाना जाता है, और शादी ब्याह के समय पर दूर दराज से कई जिलों से लोग रतलाम से सोना खरीदना पसंद करते हैं, एक माना हुआ मार्केट रतलाम में है। एवं अंगूर जिला कहा जाता है, जिसे आप डबल स्टार बनाकर अंडरलाइन कर ले। मध्य प्रदेश का अंगूर जिला कौन सा कहलाता है? तो अंगूर जिला कौन सा कहलाता है? रतलाम। रतलाम में ही अंगूर अनुसंधान केंद्र है। आज आपको एक प्रश्न देता हूं, और यह प्रश्न का उत्तर मुझे जिसे अभी याद है वो अभी दे देना, और जिसे अभी याद नहीं है वो जब उसको उत्तर याद आ जाता बता देना। मैं पढ़ा चुका हूं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र, जिसे बनाना रिसर्च सेंटर, केला अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है? केला अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है? उस जिले का नाम आपको यहां पर सेंड करना है, ठीक है ना। एमपी जीके के कंप्लीट लेक्चर प्रिया मिश्रा जी डले हुए हैं बेटा, सारे डले हुए, आपको थोड़े सी एक बार देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभिषेक प्रजापति का आंसर है बुरहानपुर में, अच्छा और लोगों के आंसर आन दो। अमशा वाजपेयी अंगूर अनुसंधान केंद्र, अच्छा आपका कमेंट्स निकल गया, बुरहानपुर आंसर आने लग गया, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बुरहानपुर आंसर आ रहा है सबका। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, हर एक स्लाइड में एक एक क्वेश्चन फेंकूंगा आपके लिए। आगे देखिएगा, क्षेत्रफल की बात करें, हमें जरूर नहीं कि याद करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं 4861 वर्ग किलोमीटर, 4861 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि पूरे प्रदेश में 36वें नंबर पर आता है, तो क्षेत्रफल में भी ऐसा कोई विशेष इसका स्थान नहीं है। आगे देखेंगे, जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या कहना पड़ेगा मुझे, 14,55,069 22वें नंबर पर आता है, अर्थात इसमें भी इसका कोई विशेष स्थान नहीं है। लेकिन एक अनुमान तो लगता है ना कि भाई रतलाम हमने कभी नहीं सुना। देखो जो बच्चा वहां बैठा होगा, भिंड में बैठा होगा, या फिर रतलाम का होगा, बालाघाट का होगा, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, या फिर और कहीं का होगा, उधर अनूपपुर का, वो तो यही सोचेगा ना, जैसे हमारे लिए इंदौर में बैठे व्यक्ति के लिए रीवा जिला या सतना जिले का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, तो उन लोगों के लिए फायदेमंद है कि भाई साहब इतना छोटा या इस हिसाब का जिला है। आगे देखेंगे, 299 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जिसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, केला अनुसंधान केंद्र, सभी ने उत्तर दिया बुरहानपुर, सभी को बधाई हो, सही हो आप सब। नवा स्थान है भाई साहब, कौन सा? नवे नंबर का स्थान है। हाँ, जनसंख्या घनत्व, क्योंकि क्षेत्रफल कम है उसके हिसाब से जनसंख्या ज्यादा है, तो वो होता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। चिराग पटेल बिल्कुल सही, चिराग पटेल इंतजार कीजिए बस। साक्षरता, साक्षरता मुझे कुछ खास नहीं लगी, और 66.78% 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के 52 जिलों के हिसाब से देखा जाए, तब तो 52 जिले भी नहीं थे, उस हिसाब से 11वें स्थान पर अब रतलाम जिला आता है। तहसील की बात करूं तो 8 तहसीलें, पुनः बोल देता हूं, जिला मुख्यालय रतलाम है। रतलाम के बाद में देखा जाए तो सबसे ऊपर आई थी आलोट, फिर आई थी उसके बगल में जावरा, फिर आलोट के बगल में आई थी आलोट, फिर ताल, फिर जावरा, और जावरा फिर आती पिपलोदा, फिर आती है नीचे सेलाना, बाजना और रावटी। तो 8 तहसील है। मैं साइड में हटूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं आपको, आपका आपको लग रहा है कहां से सर प्रश्न आएगा कैसा, तो मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश में अंगूर जिला किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आ गया। मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगरमालवा, उत्तर लगाना। दूसरी चीज सुनिएगा, रतलाम की स्थापना कब हुई थी? 1948। बिकॉज आपका उत्तर 1956 पर जाएगा, क्यों? क्योंकि जब मध्य प्रदेश बना तब गठन हुआ, यह चीज आएगी, लेकिन नहीं, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ना, साथ में याद रखिएगा, उपनाम में सेव नगरी कहा जाता है, सोना नगरी कहा जाता है, अंगूर जिला कहा जाता है, ठीक है। अच्छा दो चीज बता दूं, यहां पर सर्वाधिक अंगूर उत्पादन तो होता ही है, सर्वाधिक अंगूर उत्पादन होता है, अंगूर उत्पादन होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी,
पूरे राज्य में सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी यहीं पर होता है। तो याद रखिएगा, एक तो हो गया अंगूर अनुसंधान केंद्र, साथ ही साथ में याद रखिएगा दोनों के, अंगूर और स्ट्रॉबेरी के दोनों के अनुसंधान केंद्र, दोनों के अनुसंधान केंद्र अर्थात जिसे कहते हैं रिसर्च सेंटर, दोनों के रतलाम में है। क्लियर है? क्लियर है? स्लाइड का फिर से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण बात बता दिए। स्क्रीनशॉट लो भाई, मैं साइड में होता हूं, एक 10 सेकंड का समय आपके पास। साइड में हो गए। ए अतर सिंह भाई, ये पूजा अर्चना आराधना ये इनसे बाद में हेलो हाय करना, ठीक है ना? पढ़ लो चुपचाप। सभी जिलेवार देखिए संध्या श्रीवास्तव ने, बहुत बढ़िया, आपका तो डेली कमेंट्स आता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो तो मैं आगे बढ़ू, इससे पहले क्लियर कर रही हो, लाइक कर रही हो कि नहीं? लाइक ठोको फटाफट, और लोगों से कहो बाबा पढ़ा रही है, तुमको आना है कि नहीं आना है? मैं फिर बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन फेंकूंगा आज के लेक्चर से, लाइक करो भाई। 906 लाइक है, 906 लाइक है, तुरंत ये लाइक, तुरंत ये लाइक 1000 से प्लस में जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब शुरू हो रहा हूं पढ़ाना, अभी तक तो गर्म हो रहा था मैं। चलो अग्गे देखो भाई, ये नदियां माही, नदियां चले चले रे धारा, तुझको चलना ही होगा, तो देख तुझे पढ़ना ही होगा। और क्या पढ़ा रहा हूं मैं, तो याद रखना माही नदी, अरे वही माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बोलो हाउ, और कर्क रेखा का प्रश्न भी यही बनेगा। माही नदी को पढ़ा है ना, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, यहीं पर बजाज सागर बांध होता है, बोलो हो, बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, राजस्थान में लगता है, जाखम सोम और इस नदी के संगम पर लगता है, सब पढ़ाया था ना। हाँ, देखना, करण नदी, कनेरी नदी स्थानीय नदियां हैं, चंबल नदी इस जिले से रहती है, और मैंने पिछले मंदसौर जिले में जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था शिवना नदी के किनारे मंदसौर जिला है। मेरी बात पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो हकीकत कह रहा हूं, बहुत सारे फैक्ट छूट जाएंगे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा था मंदसौर जिला शिवना नदी के किनारे है, साथ ही साथ मैंने कहा था पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर भी शिवना नदी के किनारे है। अष्टमुखी पश्चिम द्वार खुलता है, प्रवेश का चारों द्वारे पश्चिम द्वार खुलता है, बोलो हाँ। तो मंदसौर में से शिवना नदी बहती है, लेकिन यदा कदा प्रश्न बना कि क्या साहब मंदसौर से निकली है नदी, तो मैं कहूंगा नहीं, जिला फिर उत्तर लगा के आना रतलाम। प्रश्न में अंतर है, उत्तर भी बदलेगा, ठीक है ना, निश्चिंत होइए। चलिए, स्पर्शी राज्य राजस्थान, मैंने अभी बताया था नक्शा, और मैंने कहा था पश्चिम में, मैंने आपको क्लियर बताया था अगर यह रतलाम है तो इसके दक्षिण में J4 झाबुआ, D4 धार, उत्तर पूर्व में देखो तो U4 उज्जैन, AM4 आगर मालवा लगता है, और मैंने कहा था इधर M4 मंदसौर लगता है, लेकिन इधर जो होता है RJ4 राजस्थान लगता है। तो वो कह रहा है राजस्थान जो यहां से यहां तक लगता है, उस राजस्थान की बात करा जाए तो झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिला इसको स्पर्श करता है, तो राजस्थान से एकमात्र जिले से स्पर्श होता ही है, ठीक है। हां दीपक सोलंकी भाई, राजस्थान में 2 बार माही नदी, देखो एक बार तो रतलाम और राजस्थान की सीमा पर ही कट करती है, पर कुछ मानते ही नहीं है जब मैं कह रहा हूं वही करती है, ठीक है ना। तीतरी मथुरी क्षेत्र माना जाता है, मुन्ना धाकड़ जी बता रहे अंगूर उत्पादन के लिए रतलाम में भी एक विशेष क्षेत्र है जिसका नाम है तीतरी मथुरी, बहुत बढ़िया मुन्ना भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी। नहीं भाई संजय कुशवाजी चलती रहेगी क्लास, ठीक है ना, ठीक है, चलो भाई जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा झाबुआ और धार दक्षिण में टच होता है, उज्जैन और आगरमालवा पूर्व में टच होता है, और मंदसौर उत्तर में टच करता है, ये पढ़ चुके हैं। आगे देखिएगा गुमान सिंह डामोर भाजपा प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर यहां से सांसद है, सांसद बोले तो क्या, आज मध्य प्रदेश में, आज मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। उपचुनाव तब होता है जब आपके राज्य में एक बार चुनाव हो चुका है, किसी कारणवश किसी जगह की सीट पर चुनाव, कोई नेता जिसका देहांत तो हो गया हो, कोई नेता जो पार्टी से बदल दिया गया हो, उस सीट पर पुनः जब चुनाव होता है तो उपचुनाव कहते हैं। आज का जो चुनाव होगा वो निर्धारित करेगा 10 तारीख को आने वाले निर्णय के आधार पर कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी हो रही है, समझ में आ रहा है?
साथ ही साथ मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, मैं गोवान सिंह डामोर ये सांसद की जब बात होती है तो ये होता है एमपी, सांसद को कहा जाता है एमपी, एमपी मतलब होता है मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब होती है संसद, और संसद के दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, मतलब कि ऐसे तो अंग तीन होते हैं, एक होता है सबसे बड़ा राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा, ध्यान से सुनिएगा, और एक होता है राष्ट्रपति। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, खुद अपना दिमाग की बत्ती जलाओ ना भाई, कभी कहते हैं सर संसद के सदन कितने होते हैं, सर कोई कहता दो कोई कहता तीन, सुनना ध्यान से, सदन का मतलब होता है भवन एक जगह, राज्यसभा सबसे उच्च सदन, लोकसभा दूसरा सदन, अरे राष्ट्रपति कोई बिल्डिंग है, राष्ट्रपति के पेट में बैठ के मीटिंग होती है क्या, तो क्या राष्ट्रपति सदन है क्या, कहता ही नहीं, समझ में आ रहा, अंग है जो इनकी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हस्ताक्षर करता है। तो जो लोकसभा के सांसद है उनकी बात कर रहा हूं, गुमान सिंह डामोर है भाजपा प्रत्याशी, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ यहां पर देखिएगा रतलाम लोकसभा सीट एसटी स्टूडेंट ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति अजजा के लिए आरक्षित है और अलीराजपुर रतलाम लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, मतलब कि एक जिले की एक लोकसभा सीट होती तो मध्य प्रदेश में 52 लोकसभा सीट होती, पर मध्य प्रदेश में जिले तो 52 है पर लोकसभा सीट 29 है, इसका मतलब सीधा सा है कि एक ही जिले एक ही लोकसभा सीट में एक से अधिक जिले आते हैं, सीधी सी बात है। कतई आप यह नहीं सोचिएगा कि अलीराजपुर का है तो अलीराजपुर लोकसभा सीट लगेगी, हो सकता है अलीराजपुर लोकसभा सीट है ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरह से याद रखिएगा। अमृत शाह वाजपेयी जी ने कहा है कि राष्ट्रपति तो अंग होता है, बिल्कुल सही, अंग होता है, वो उसका एक हिस्सा है जो उसकी क्रियाओं को कंप्लीट करवाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, संभाग कौन सा लगता है रतलाम में, उज्जैन, संभाग कौन सा लगेगा, उज्जैन, कौन सा, उज्जैन, कौन सा, उज्जैन। अच्छा पुलिस संभाग वारे मासाब, ये तो नई चीज लेके आया भाई, पुलिस संभाग उज्जैन लगता है कैसे, आप कहोगे ये कोई बताने की बात है, जब संभाग उज्जैन लगता है तो पुलिस संभाग भी उज्जैन ही लगेगा ना, कैसी बात कर रहा है यार मास्टर, मैं चुप रहो भाई, एक बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं संभाग प्रदेश में 10 है, संभाग प्रदेश में 10 है लेकिन पुलिस संभाग प्रदेश में 11 है, जिसे कहते हैं आप रेंज। अब सुनना समझना, 10 संभाग है और 11 पुलिस संभाग है, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो जब पुलिस में जाओगे ना तब ज्ञान गणित समझ में आएगा, यह पढ़ाई अभी के लिए पास होने के लिए, वहां अलग ही पढ़ाई है। तो 11 जो पुलिस संभाग है जिसे कहते हैं 11 रेंज, उनमें जरूरी नहीं है कि जो जिला जिस संभाग का हो पुलिस संभाग में भी वही जिला उसका हो, किस्मत से रतलाम जिला उज्जैन संभाग का है तो पुलिस संभाग भी उज्जैन लग रहा है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर देखो आप, जिला रायसेन कौन सा होगा, जिला रायसेन, जिला रायसेन जो है यूं तो कौन से संभाग में आता है, भोपाल संभाग में आता है, लेकिन जिला रायसेन पुलिस संभाग में भोपाल में नहीं आता है, वो नर्मदापुरम संभाग में आता है। मतलब यह है कल को रायसेन के किसी भी पुलिस वाले को, जैसे कि आप हो, आपको रायसेन से तबादला करवाकर भोपाल में करवाना है तो आप क्या सोच रहे हो कि जिला ही बदल रहा है, अपने संभाग में तो जा रहे हैं, नहीं, रायसेन जिला भोपाल संभाग में आता जरूर है लेकिन पुलिस संभाग में रायसेन जिला भोपाल से बाहर है, वो नर्मदापुरम में है, तो आप बैतूल में ट्रांसफर ले लो, हरदा में ट्रांसफर ले लो, होशंगाबाद में ट्रांसफर ले लो, आपके लिए आसानी होगी, हरदा में मतलब कि, लेकिन रायसेन से भोपाल में आसानी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि संभाग पुलिस के आधार पर रायसेन भोपाल में नहीं है। दूसरा, आपको लगता होगा कि सर जो बालाघाट है, सर जो बालाघाट है वो बालाघाट तो जबलपुर संभाग में आता है, मैं आपको बता दूं 10 संभाग में 10 संभाग है और 11 पुलिस संभाग है ना, तो जो 11वां संभाग जो अलग गया है, जो अलग है, जो संभागों में नहीं है लेकिन पुलिस संभाग है, वो 11वां पुलिस संभाग बालाघाट ही है, जिसमें बालाघाट हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, सिवनी हुआ, ये जबलपुर में ना जाते हुए ये किसमें जाते हैं, बालाघाट में। तो आपको लगता होगा कि बालाघाट के बंदे का एकदम ट्रांसफर जबलपुर में आसान है, तो गलत है, ठीक है ना, वो डीआईजी रेंज है, आईजी और डीआईजी, बहुत बढ़िया, प्राची कर्मा पहले भी समझाया था ना सर, शाम को कितनी बजे क्लास रहेगी, अतर सिंह कुशवा कह रहे हैं, ठीक है मैं बताता हूं, शाम को जो क्लास रहेगी एक बार पुनः बता देता हूं, 6 से 7 रीजनिंग साकेत सर,
सात से आठ ठाकुर सर मैथ्स, आठ से नौ बाबा शेखावत एमपीजी के जनजातियां, नौ से दस आपके अग्रवाल सर साइंस, ठीक है ना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा गुप्ता सर की पांच से छह क्लास रहेगी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की। साथ ही दूसरा छह से सात जो हिंदी का लेक्चर लगता था दुर्गेश सर का, वो तीन से चार रहेगा, समय बदल गया बस। भाई यहां पर थोड़ा कचरा सा तो लग रहा है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। ओके 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 ओके, छह से दस कह दिया रामदास जी ने, ओके आगे बढ़ जाए क्या, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट पर आ जाओ। यह है रतलाम जिले का इतिहास, क्या कहता है वो, कहता है रतलाम भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में मालवा क्षेत्र का एक जिला है। हाँ, मालवा होगा जे, मालवा है, समझ में आ रहा ना, अड़ी उड़ी अड़ी के वणी के कई करे रहा सा पधारो सा, ये है। फिर इधर निमाण में चले जाओ, अले ओले कले जाइरो दादा कई हुई रोज थारो, समझ में आ रहा है। फिर उधर चले जाओ, कहोगे दादा किधर जा रहा हो, कल लो इधर आओ, झाओ भाव वो हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये अलग अलग क्षेत्र पर मालवा क्षेत्र का है, कौन सा है, मालवा क्षेत्र का रतलाम है। रतलाम के पहले महाराजा राजा रतन सिंह थे, समझना, पहले महाराजा जो थे वो कौन थे, महाराजा राजा रतन सिंह थे। आगे देखिएगा, दूसरा देखिएगा, महाराजा रतन सिंह और उनके पुत्र राम सिंह, महाराजा रतन सिंह और उनके पुत्र राम सिंह, तो क्या हो गया रतन राम। अरे देखो ना, रतन सिंह का नाम रतन सिंह, उनके पुत्र का नाम राम सिंह, तो रतन राम, इन दोनों को नाम को मिलाकर शहर का नाम रतन राम हुआ। अर्थात पहले रतलाम का नाम रतन राम था जब रियासतें चला करती थी। बोलो हाँ, पल्ले पड़ रही है, ठीक है ना। जो बाद में नाम परिवर्तन के स्वरूप, नाम परिवर्तन मतलब अपभ्रंश नाम बदलते जाते हैं, क्रमशः रतराम हुआ, रतन राम से रतराम हुआ, और रतराम से बदलकर राज के स्वरूप में रतलाम हो गया। तो रतलाम का पुराना नाम रतन राम था, जो वहां के पहले राजा रतन सिंह और उनके बेटे राम सिंह के नाम के संयोग से मिलकर बनाया गया था, और उनके नाम से इस जगह को जाना जाता था जो रियासत थी मध्य प्रांत की, ठीक है ना। आओ कभी हमारे निमाण में, हाओ भैया बघेली बोल दो, मैं बघेली सीख के आऊंगा फिर, ठीक है ना, बघेली सीख के आऊंगा मैं। देखिएगा यहां मैं इतिहास से जुड़ा एक प्रश्न बता रहा हूं जो रतलाम के संदर्भ में भी है, क्या है, मुगल शासक शाहजहां ने, शाहजहां मतलब वही मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, रतलाम जागीर रतन सिंह को एक हाथी के साथ बहादुरी के खेल में पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शाहजहां का शासन काल था, पहले बाबर आया 1526 में, उसने पानीपत का युद्ध जीता, खानवा का युद्ध 27 में जीता, घाघरा का युद्ध 28 में जीता, समझ में आ रहा है ना, मतलब चंदेरी का युद्ध जीता और घाघरा का युद्ध जीता, 1530 में मर गया। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर की औलाद शाहजहां, उसके समय में रतलाम जागीर जो थी रतन सिंह को दी, कैसे, एक खेल चला उसमें हाथी के साथ में वो खेल खेलना था, उसमें विजित हुए राजा रतन सिंह और उनकी बहादुरी से खुश होकर शाहजहां ने उन्हें ये जमीन प्रदान की और उसके नाम से रतलाम हुआ। आगे देखिएगा, शाहजहां के समय उत्तराधिकार के युद्ध, याद करो मेरे दोस्त, समय था 1657-58 का, खबर झूठी उड़ी कि शाहजहां की तो मृत्यु हो गई है, और उसके बेटे जो थे मुराद शाहसुजा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, औरंगजेब सबसे खतरनाक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और दारा सिको, चार संतान थी तो दारा सिको शाहजहां के साथ रहता था, दारा दारा सिको, शाहसुजा जो था वो उधर बंगाल में रहता था, मुराद जो था गुजरात में रहता था, और औरंगजेब जो था दक्षिण भारत को संभालता था। इन सभी ने यह सोचा कि बाप मर गया है, अब हिस्सा किसके पत्ते आएगा, तो सबने सोचा दारा सिको के हिस्से आएगा, तो सबने एक दूसरे पर आक्रमण किया। तो बंगाल से आया शाहसुजा और दक्षिण भारत से और गुजरात से मिलकर गए औरंगजेब और मुराद, और इनके बीच में जो युद्ध हुआ, तो जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें औरंगजेब और शाहसुजा के बीच में युद्ध चला। शाहजहां ने रतन सिंह को रतलाम वाली जगह दी, अब वहां का राजा रतन सिंह, अब राजा रतन सिंह ने औरंगजेब और शाहसुजा जो कि शाहजहां के बेटे थे के बीच में जब युद्ध हो रहा था,
तो उसमें राजा रतन सिंह ने टांग अड़ाई और शाह शुजा का साथ दिया जो कि औरंगजेब के सामने बहुत कमजोर था। शाह शुजा हारा, भागा और जंगल में जाकर मर गया। अंत में जब शाह शुजा का साथ दिया राजा रतन सिंह ने तब तो कुछ नहीं, पर औरंगजेब जब राजा बना तो राजा रतन सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। तो आप यहां का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे का पूरा पढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है। चलो भाई जल्दी से, जय हिंद। भैया लेट हो गए चैन सिंह जी बहुत ज्यादा। जगत बघेल कह रहे हैं हरियाणी भाषा बोलना, ठीक है नेक्स्ट पर आओ। ये देखो लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। औरंगजेब जब शासक बना, औरंगजेब जीत गया शासक बना, तब राजा रतन सिंह को रतलाम छोड़ना पड़ा और मंदसौर के सीतामऊ, अभी पढ़ा था ना मंदसौर में एक तहसील है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था सीतामऊ, सीतामऊ में पूरा जीवन व्यतीत करते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो गई, जहां आज भी रतन सिंह की समाधि की छतरियां बनी हुई है। तो मैं फिर कह रहा हूं, वो राजा रतन सिंह जिसके नाम से रतलाम बना, उन राजा रतन सिंह की मृत्यु सीतामऊ मंदसौर में हुई थी और सीतामऊ में राजा रतन सिंह की छतरियां मिलेंगी। तो कल को पूछा जाए कि रतलाम के जो पहले महाराजा थे राजा रतन सिंह की छतरियां किस जिले में है, तो उत्तर होगा मंदसौर में। कहां पर होगा उत्तर? मंदसौर में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पर आइए। देखिएगा मध्य भारत की जो 26 रियासतें थी उनमें से एक रतलाम रियासत थी, ये तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं आपको। दूसरा देखिएगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। और एक लाइनर देखिए, रतलाम शहर सेव, मतलब कौन सी? खाने वाली सेव, सोना, शुद्ध सोना, मावा, ये गराडू, ये खाद्य पदार्थ होता है गराडू, समझ में आ रहा है ना? ये समझ समझना, कोई बड़ा भारी पत्थर होता होगा सिर फोड़ने को, गराडू खाने का एक चीज होता है। सट्टा साड़ी, साड़ी का एक प्रकार होता है। इन सब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है कौन सा जिला? रतलाम। अच्छा ध्यान से सुनो, शर्मा सर आपको 2 मिनट कुछ बताने वाले हैं, तो मैं अभी इसी चलती क्लास में, आप रेडी रहिए, ठीक है ना? रेडी रहिए, सुनिए ध्यान से आगे की प्लानिंग, या फिर आज जो क्लास शुरू हो रही है उसके बारे में शर्मा सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं शर्मा सर को बुला रहा हूं यहां पर, आप जल्दी से सुनिएगा, ठीक है ना? आइए शर्मा सर, स्वागत है सर। नमस्कार सभी को, सत्यादी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की सबकी क्लास बहुत अच्छी चल रही होगी और एमपी पुलिस की वैकेंसी जो आ गई है उसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों की जो पढ़ाई चल रही थी उस बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का विघ्न डालने के लिए आया हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि एमपी पुलिस की वैकेंसी जो है 2017 के बाद अब आई है, तो इसमें आप लोग जो है जी जान झोंक देना और खूब मेहनत करना, आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो निश्चित करवाना इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके बाद कब एमपी पुलिस की एग्ज़ाम आएगी हम कह नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान में आप लोगों को रखना है। और हम लोगों ने, आपने देखा कि पिछले 3-4 महीने में यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए, तो ये जो लेक्चर आप लोगों ने लिए इसका भी लाभ जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अब जो है हम लोगों ने बहुत कम कॉस्ट पर, मतलब बहुत कम कीमत पर एमपी पुलिस का जो बैच लॉन्च किया है वो आप लोगों के सबके हित को ध्यान में रखते हुए किया है। अभी 1500 रुपये उसकी कॉस्ट है, लेकिन अभी इस समय परचेस करने पर 1200 रुपये में ही 2 तारीख तक के लिए उसकी डेट रखी थी, लेकिन स्टूडेंट जो है उन्होंने कल रात से ही और आज सुबह से ही डिमांड रखी कि सर ये हमने कोर्स जो है परचेस नहीं कर पाया था, तो इसको 1500 की जगह सर अभी 1200 ही रहने दो। तो सभी स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर आज जो है उसको 1200 रुपये और रखा गया है। एमपी पुलिस की अगर बात करें
तो 2012 से अब तक सभी विद्यार्थियों की, पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट की, सत्यादि शर्मा क्लासेस पहली पसंद रही है। मतलब सबसे ज़्यादा एडमिशन, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमेशा से ही अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में एमपी पुलिस के रहे हैं। अब जब हमने बैच लॉन्च किया तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कितने स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास पढ़ना पसंद करेंगे, कितने नहीं करेंगे, परंतु जितनी उम्मीद थी उससे 4 गुना ज़्यादा स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिखाया और एडमिशन लिया। तो आज ये आज के दिन का मौका अन्य लोगों के लिए, आपके लिए भी है। इस बैच को बहुत कम कॉस्ट पर 1200 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। ये कॉस्ट बहुत कम इसलिए है देखा जाए तो, क्योंकि अभी हमने देखा कि एमपी पुलिस के जो एग्ज़ाम 2017 में हुए, 2016 में हुए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, तो बहुत इधर उधर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने ऐसी प्लानिंग की है कि आप लोगों को लाइव लेक्चर मिले और रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाए, यहाँ तक कि इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, विविध करंट अफेयर्स, ये सब आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। मतलब सारे वीडियो आपके जो हैं उस पर, एप्लीकेशन पर होंगे, आप जब चाहे तब देख सकेंगे। जब हम ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते, और इस तरह से जो है हमारा सिलेबस कहीं ना कहीं रह जाता है, कुछ तो छूट जाता है। तो वो इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग तो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के एप्लीकेशन पर डाल देंगे, जिन्हें आप कभी भी देख सकेंगे, रात को सोते सोते, सुबह खाना खाते हुए, कुछ भी। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का आप लोगों को पता है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में टेस्ट कितना महत्व रखता है। तो 50 टेस्ट की ये सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशल सारी फैकल्टी जो है मेहनत करके बना रही है, और ये जो क्वेश्चन इस 50 टेस्ट में है वो केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डिस्क्रिप्शन। मतलब मैथमेटिक्स में आपको ठाकुर सर के जो है डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, साकेत सर के रीजनिंग में डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जीएस में, एमपी में मेरे शेखावत सर के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। मतलब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है ना, उनके ही इर्द गिर्द क्वेश्चन अगली परीक्षा में आने वाले हैं। तो वो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने टेस्ट परचेस किया है। और ऐसे लोग जिन्होंने जो है कोर्स परचेस नहीं किया पूरा एमपी पुलिस का, उन लोगों के लिए अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो कुछ कॉस्ट के साथ, 500 उसका कॉस्ट मैंने बताया था, उसके साथ में वो रखी जाएगी। वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग जो है, ये जो फीस है बहुत कम है, मात्र 1200 रुपये एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन पढ़ने को सत्यादि शर्मा क्लासेस की फैकल्टी से मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये कॉस्ट वाकई में बहुत कम है। तो आप लोगों के लिए आज के दिन डिस्काउंट और रखा है, और शाम को 6 बजे से यूट्यूब पर भी ये वीडियो, डेमो वीडियो आज के और कल के 2 घंटे के लाइव होंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो भी आज के यूट्यूब पर हम लोग डाल देंगे। ठीक, वो वीडियो देखकर भी आप परचेस कर सकते हैं, या इससे पहले भी परचेस कर सकते हैं। आज के लिए डिस्काउंट और स्टूडेंट की भारी डिमांड पर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों की क्लास में जो है बीच में विघ्न डाल दिया, थोड़ा डिस्टर्बेंस कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप लोगों की पढ़ाई उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मैं आप लोगों की कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप खूब मेहनत करो, माध्यम कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को इस एग्ज़ाम में सफल होना है। बहुत बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम है ये, 2017 में पिछला एमपी पुलिस हुआ था और अब 2020 में आया है। 4000 पद आए हैं, पर पद संभवतः और बढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें और तैयारी में आज से ही जुट जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए भैया, सारी जानकारी आपको मिल गई है ना, बहुत बढ़िया रहा कि जो ऐप की आज क्लास स्टार्ट होने वाली है उसके संबंध में सारी जानकारी शर्मा सर ने आपको दे ही दी है। तो और कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, सर उधारी चलती है क्या? तो मैं बता दूं, ये पान की गुमटी नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा मिल रहा है, चीज भी तो बहुत बढ़िया मिल रही है ना, क्वालिटी की। ठीक है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, हाँ, 2-3 प्रश्न है। जय हो कृष्णपाल चौहान जी, धन्यवाद कृष्णपाल जी।
एप में डाउट क्लास रहेगी, पहला क्वेश्चन था, तो दूसरा इसका आंसर होगा कि हाँ टाइम के अकॉर्डिंग जब क्लास लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लास नहीं दी जाएगी या फिर कोई एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब आपकी डाउट सेशन भी रखा जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि उसमें लाइव क्लास रहेगी तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लाइव रहेगी, एमपी जीके और साइंस जो उसमें रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन जैसे कि देखो आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख मैं लाइव आऊंगा एमपी जी को लेकर, उसमें मैं आपको गौंड जनजाति पढ़ाने वाला हूं, जहां से प्रश्न आज तक बने हैं सारे प्रश्न निपटा देंगे, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है, ओके। दिनेश पटेल जी कह रहे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग कर चुके, भाई साहब ऑफलाइन कोचिंग कर चुके हैं, ये ऑनलाइन है, अगर आपका कार्ड है तो वो कार्ड ऑफलाइन में वैलिड रहेगा, लेकिन ये ऑनलाइन है, यहां पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फीस ऑप्शन ही आएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन की फीस जो है वो आपको बता दी जाएगी आप जब भी यहां पर आएंगे जानकारी के लिए, ठीक है। चलो देखिएगा, रतलाम की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण रतलामी सेव है भाई, रतलामी सेव है जिसका पुराना नाम भीलड़ी सेव था, यहां से निकल कर आएगा प्रश्न। रतलामी सेव का पुराना नाम भीलड़ी सेव था क्योंकि माना जाता है कि इस सेव को, मतलब जिसे हम रतलामी सेव कहते हैं, उस सेव की खोज या इसके बनाने का तरीके का इजाद भील जनजाति ने किया है। मैं बता दूं कि जो रतलाम क्षेत्र है, अगर जनजातियों की बात की जाए, ये मैं आज ही के लेक्चर में, आज ही एप में यही पढ़ाने वाला हूं जिसमें आपके डाउट खत्म हो जाएंगे कि कौन सा पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा मध्य और दक्षिणी क्षेत्र, कौन सा पूर्वी क्षेत्र, कौन सा उत्तरी क्षेत्र, कहां पर कौन सी जनजाति निवास करती, कौन सी छत्तीसगढ़ को चली गई, कौन सी मध्य प्रदेश में बची। तो मैं कह रहा हूं कि जो रतलाम क्षेत्र है वो भील जनजाति का क्षेत्र है क्योंकि झाबुआ से लगा हुआ है, ठीक है ना, जनजाति में भील जनजाति यहां पर निवास करती है, ओके। रतलामी सेव के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। अब ये जीआई टैग किस चिड़िया का नाम है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। मध्य प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक 7 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जो उस विशेष स्थान पर कई वर्षों से बन रही है या उस स्थान की पहचान है, इतनी पॉपुलर है कि लोग उस नाम से उस चीज को खरीदते हैं, कल को कोई इस चीज का गलत फायदा ना उठाए, इसकी कॉपी ना करे, इस कारण से इसे जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग के नियमों का उल्लंघन करने वाले को आर्थिक दंड भी दिया जाता है और इसे कारावास भी दिया जाता है। भारत में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और दार्जिलिंग की चाय वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है। मध्य प्रदेश में 7 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से आपका दतिया और टीकमगढ़ की ठटेरा कला, जिससे धातु शिल्प कहा जाता है, इंदौर के जो चमड़ा उद्योग है उसे दिया गया है, साथ ही साथ में आपको रतलामी सेव का है, महेश्वरी साड़ी का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साथ में चंदेरी की अशोकनगर की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। तो इस तरह से बाघ प्रिंट जो है, इस तरह से सभी जीआई टैगों का आप याद रखिएगा, सातों के साथ जीआई टैग में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, 2 चीज और याद रखिएगा, अभी यहां पर आपको बताने वाला हूं रतलामी सेव जिसे आप जीआई टैग दिया गया, आप पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट भाई, ठीक है ना। हाँ, कड़कनाथ जो, अरे वो मुझे पता था, नंदनी वर्मा ने कहा कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, सेकंड इंदौर, थर्ड महेश्वर की साड़ी, वाह बेटा नंदनी, सबसे पहले याद आओ तुम्हें कड़कनाथ, ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। ये है रतलामी सेव। अब आप कहोगे मां साहब कैसे पहचान करें रतलामी सेव, सेव तो है, सेव तो है ना, ये रतलामी सेव हमने निकाली, ये रतलामी सेव, ये याद रखिएगा। तो रतलामी सेव इसे जीआई टैग दिया गया है, 7 वस्तु ऐसी है, कड़कनाथ चिकन हुआ, साड़ियां हुई और इस तरह से, तो जीआई टैग के संदर्भ में याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, रतलाम जिला मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, यहां से करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आएंगे भाई, रतलाम जिला मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा है, ध्यान से सुनना, रतलाम कैसा एक क्षेत्र है, एक ऐसा है जहां पर मालवी, राजस्थानी और गुजराती लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखा जाता है। मालवी अणेकी वणेकी ठाकर साहब, वहां से राजस्थानी और केम छो मजामा छो, समझ में आ रहा है, गुजराती, इन तीनों का मतलब कि मालवी हुआ, राजस्थानी हुआ और गुजराती लोक संस्कृति का संगम देखने को मिलता है राजस्थान में, सॉरी कहां पर, रतलाम में, ठीक है। अगला, ये है आपका करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के संबंध में, याद रखिएगा जो प्रश्न लिखा रहा हूं
बाद में एक भी चीज को ये नहीं कहना कि साहब थोड़ा और पढ़ा देता अपडेट करके। मैं क्या कह रहा हूं, रतलाम में वैदिक पद्धति के अनुरूप कुंडात्मक हर्बल उद्यान, ये प्रश्न जब आएगा तब रोओगे, क्या एक कुंडात्मक हर्बल उद्यान बनाया जा रहा है, यह होता क्या है, जिसमें हर पौधे को वास्तुशास्त्र के अनुरूप स्थान दिया जाएगा, मतलब कि कौन सा पौधा किस दिशा में किस जगह पर रखना चाहिए, लगाना चाहिए, इस दिशा के आधार पर, वास्तुशास्त्र के आधार पर एक उद्यान बन रहा है जिसे नाम दिया गया है कुंडात्मक हर्बल उद्यान। तो प्रश्न है करंट अफेयर्स 2019 का कि कुंडात्मक हर्बल उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा, तो जिला होगा रतलाम। आपको लग रहा होगा कि दिशाएं चार होती है, लेकिन दिशाएं दस होती है, चार दिशा ये पांचवी है, छठी है, सातवीं है, आठवीं है, नवी ऊपर की दिशा, दसवीं नीचे की दिशा, यह होता है पूर्व, यह होता है पश्चिम, यह होता है उत्तर, यह होता है दक्षिण, उत्तर और पूर्व के बीच में होता है ईशान कोण, और पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है आग्नेय कोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है नेतृत्व कोण, उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है वायव्य कोण। तो यह हो गया आठ दिशा, ठीक है ना, यह होता है ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊर्ध्व, और यह होती है अधोमुखी, मतलब कि सबसे ऊपर, यहां से खड़ के ऊपर देखोगे तो ऊर्ध्व, नीचे देखोगे तो अधो, तो चार चार आठ और दस और दिशा, इस आधार पर दर्शा गया है कि कौन सा पेड़ पौधा कहां लगाया जाएगा। बोलो हां, पोषण अंग वादी एस कुमारी धाकड़ जी, रतलाम में पोषण, वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा, फिर से लिखो एक बार, फिर से लिखो, है ना, ठीक है, अच्छा प्रश्न बताया आपने। रतलाम एक औद्योगिक शहर है जहां पर प्रसिद्ध दवा कंपनी आईपीसी है, अरे बहुत नाम सुना होगा, 100 बार नाम सुना होगा, आईपीसीए का नाम सुना ना, उसकी स्थापना की गई, और आईपीसीए कहां पर मिलेगा, तो एक प्रसिद्ध दवा कंपनी है, शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी आता है, वह स्थापित कहां पर की गई है, रतलाम में, ठीक है ना। साथ ही साथ में आपको कुंडात्मक हर्बल उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, बता रहे भाई उसे इंटेग्रिप बता रहे, रविराज भाई बता रहे हैं, ठीक है ना। दीपक जामले जी 12 और कौन सी बता रहे भैया, ठीक है, देखिएगा रतलाम के प्रमुख उद्योग और कौन कौन से प्रमुख उद्योग है, यहां पर देखिएगा, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल रतलाम और इंदौर, मैंने आपकी सुविधा कर दी। कल को आपका हो कि सर रतलाम में ही है, तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ रतलाम में नहीं है, ये इंदौर में भी है, तो देखो आप यहां पर लिख दिया, पर रतलाम जिला पढ़ाना तो रतलाम की चीजें पढ़ा दी। लकड़ी के खिलौने बनाने का उद्योग सर रतलाम में ही है, नहीं भाई रतलाम में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है और रीवा में भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। साथ ही देखिएगा अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, और साथ ही साथ में आपको मैंने यहां पर लिखवा देता हूं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, रतलाम में है। प्रदेश में अंगूर उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा रतलाम जिला है। सेलखड़ी उद्योग की बात करें तो वो रतलाम में है। सेलखड़ी जानते होंगे आप, क्या होती है सेलखड़ी में, एक कच्ची आप चीज देखते हैं घर में, हम मतलब ये कि एरिया होता है, लोकल एरिया, क्षेत्रीय आधार पर इसके नाम अलग अलग तरीके से बोले, कहीं कहीं पर तो सिर्फ खड़ी ही बोलते हैं, कहीं कहीं पर खड़ू बोलते हैं इसे, समझ में आ रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल रतलाम के जावरा में 1934 में स्थापित की गई थी, तो यह हो जाता है सबका पसंदीदा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जब मंदसौर पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में, दलोदा मंदसौर में, तब आपने पूछा था कि सर सबसे पहली कौन सी, तो मैंने कहा था जावरा रतलाम में है और यह सन है 1934। तो क्लियर करो, मध्य प्रदेश में सबसे पहली शुगर मिल रतलाम में लगी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल सीहोर में है। बोलो हां, अमलाई का नाम सुना होगा आपने। मोनिका परियार पूछे ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स बताऊं ड्रग्स क्या होता है, फंसाओगे मेरे को, ड्रग्स नहीं पता आपको, कैसी बात कर रहे हो यार, ड्रग्स नहीं होता है, ऐसे करके मैं नहीं लेता हूं ना, मैं तो बता रहा हूं बस। हाँ शुगर, अब कोई पूछ रहा शुगर का मतलब क्या होता है, शुगर का मतलब होता है मेरे दोस्त शक्कर, ऊ मीठी चट, चाय में, गुलाब जामुन में चाशनी, उच, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। ये देखो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें पश्चिम से सबसे पहला रतलाम आता है। मैंने क्या बताया था, इधर से चलो रॉसी बीबी साधक जब यूएसए, मतलब कि रतलाम हुआ, उज्जैन हुआ, आगरमालवा हुआ,
राजगढ़ हुआ, समझ में आ रहा, सीहोर हुआ, भोपाल हुआ, रायसेन हुआ, सागर हुआ, दमोह हुआ, कटनी हुआ, उमरिया हुआ, शहडोल हुआ, ये 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरी। तो उसमें सबसे पहला जिला आता है रतलाम। प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र में तीसरा जिला रतलाम है। मैं क्या कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में घूमना और ऐसे जिले ढूंढना जहां सबसे कम उस क्षेत्र के आधार पर जंगल है, तो सबसे कम जंगलों में तीसरे नंबर पर आता है। तो आपकी जिज्ञासा होगी कि मां साहब ये तो बता दे कि पहले पे कौन है जिसमें सबसे कम है, तो सबसे कम है मेरे मित्र उज्जैन में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र होगा उज्जैन में। जिज्ञासा होगी सर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा मेरे मित्र होगा साजापुर। कौन सा होगा? साजापुर। और तीसरा? तो तीसरा रतलाम है। न्यूनतम वन क्षेत्र, अधिकतम वन क्षेत्र कहां पर होगा? तो सबसे ज्यादा जंगल आपको कौन से जिले में मिलेंगे? जिला होगा बालाघाट। अरे क्या क्या प्रश्न है, सब काम के हैं, कंप्लीट है भाई, मजे आ जाएंगे आपको। ओके रतलाम जिले की शेलाना तहसील में शेलाना वन्यजीव अभयारण्य है, नाम से स्पष्ट है, जो खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। और यह मैं वन्यजीव अभयारण्य के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। इसी अभयारण्य की 90 पक्षी की प्रजातियों पर पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने किताब लिखी है। याद रखिएगा, यह सलीम अली की बात करता हूं। इस व्यक्ति को पकड़ करो भाई। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को याद रखो कि किस अभ्यारण की 90 पक्षी प्रजातियों पर एक किताब लिखी गई है, उनका नाम है सलीम अली ने लिखी है। सलीम अली जम्मू कश्मीर के, इन्हें पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं। साथ ही साथ में याद रखिएगा, इन्हें द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी मानव के रूप में इन्हें जाना जाता है। सलीम अली को नाम याद रखिएगा। नोट, शेलाना अभ्यारण प्रदेश का एकमात्र कैक्टस गार्डन है। इस मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा गार्डन है जिसमें कैक्टस उगाए जाते हैं। अब कैक्टस सोच रहे होंगे कैसे, मैं अभी बताई दे रहा हूं फोटो में। कैक्टस एक तरह का नहीं होता, आपको लग रहा है सर हाँ वो राजस्थान में हमने देखा है, रेगिस्तान में उगता है और वो बिना पानी के कैक्टस उगता है, हरे कलर का होता है, कांटे कांटे होते हैं, बहुत बढ़िया, पर वो बहुत तरह के होते हैं। रतलाम में पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय है, फिर से पकड़ कर लेना, पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय। संभागीय मुख्यालय मतलब कि आपको मैं कहूं कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। पर क्या जबलपुर से पूरा मध्य प्रदेश संचालित हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो एक जबलपुर में होगा, एक संभागीय मुख्यालय जो होगा वो भोपाल में होगा, और दूसरा संभागीय मुख्यालय जो होगा वो रतलाम में होगा। याद रखना, पश्चिम रेलवे की अगर बात करोगे तो फिर यहां पे आ जाएगा। तो रतलाम के साथ साथ राजस्थान का कोटा भी रतलाम में जुड़ा होता है रेलवे के हिसाब से, क्योंकि रेलवे किसी राज्य की नहीं है, ये केंद्र सरकार की है। बोलो हां, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हां, कुछ कह रहे हैं नागफनी कोरोना के सेप में, बहुत बढ़िया उषा कागज, जब तुमने उदाहरण दाओ है एकदम। सर क्लास के लास्ट में पन्ना के बारे में बता देना। हां भाई रविराज, बता क्या देना, अभी हमने नेशनल पार्क पढ़े, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया, मैंने पचमढ़ी पढ़ाया, अचानक मार पढ़ाया, पन्ना पढ़ाया। तो पचमढ़ी को 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जैव आरक्षित क्षेत्र, और 2009 में जाकर उसने किसने यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। यूनेस्को ने अलग किया, भारत सरकार अलग करती है। तो जो पन्ना है जिसे भारत सरकार बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर चुकी है, उसे 2020 में यूनेस्को ने भी घोषित कर दिया है। तो अब प्रश्न जब बनेगा कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया, तो वर्ष 2020 आएगा, यह है प्रश्न उसका, ठीक है ना। देवेंद्र कामले कालमे जी खुश रहो भाई। सर बेच कोड क्या है? दिलीप डोडबे जी बेच कोड पूछ रहे हैं अभिषेक, क्या है ये? रतलाम की दिव्या पाटीदार जोशी को मिसेज इंडिया के लिए चुना गया। मिस इंडिया नहीं, मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया, MRS, मने की जिनकी शादी हो गई है और वो सुंदर युवतियों की प्रतियोगिता में अग्रणी रही है। तो दिव्या पाटीदार जोशी, बहुत काम का प्रश्न है, वर्ष 2018 की मिसेज इंडिया चुनी गई, सौभाग्य की बात है। देखो वो कहते हैं ना कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो ये सौभाग्य की बात ये है कि 2018 में दिव्या पाटीदार जोशी को मिसेज इंडिया चुना गया, जो रतलाम से है और पूरे भारत में चुनी गई। हां अनुराधा अंगी, यही बताया आपने भी, है ना। देखो
इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, दो तीन दिखा रहा हूं, कैक्टस की फोटो दिखाऊंगा, दिव्या पाटीदार जोशी दिखाऊंगा। एस कुमारी धाकड़ गिरी, बहुत सुंदर सर वो। सर सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि आपका दिमाग 5 दिन के लिए हमें उधार दे दीजिए, हम आपके माइंड का डाटा डाउनलोड करके वापस कर देंगे आपको, जो होता है क्या? बहुत बढ़िया आशादीप, ठीक है आगे चलते हैं। ये है भाई केक्टस, जिसे आप नागफनी कहते हैं। मैंने आपको पहले कहा था, ये आपको जो आपने देखा है वो आपने देखा होगा कि इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह से भी होते हैं, ये गोल वाले शेप में भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ये बड़े वाले भी होते हैं, ये कांटेदार होते हैं, ये समझ में आ ना केक्टस। तो ये गार्डन बना हुआ है, इनकी औषधियां भी बनती है, ये कम पानी में उगाए जाते हैं, समझ में आ रहा ना, औषधियों के तौर पर काम में आते हैं। तो ये इस केक्टस गार्डन की बात कर रहा हूं। बबली रावत जी कह रहे हैं बहुत अच्छा गार्डन है, ठीक है। कल्पना निगमा जी रतलाम से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आइएगा, ये है एकमात्र केक्टस गार्डन, एकमात्र केक्टस गार्डन, एकमात्र केक्टस गार्डन। मैं आपको पहले बता दूं, क्लास बहुत कम समय के लिए बची है, 5 मिनट में क्लास समाप्त हो रही है, इसलिए पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर आइएगा, ये है मिसेस इंडिया 2018 दिव्या पाटीदार जोशी, मिसेज इंडिया 2018 मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया 2018, नाम है दिव्या पाटीदार जोशी, दिव्या पाटीदार जोशी, ठीक है। दिव्या पाटीदार जोशी कहां से है? रतलाम से, कहां से है? रतलाम से। बड़ा बड़ा अच्छी बात है, बड़ा मस्त प्रश्न बनेगा ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, ओके भाई। कंचन कुमरे जी आर्टिफिशियल लग रहा है, आप जाइए रतलाम में मिलेगा, रतलाम में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग, पहली बार लाइव में विनोद सिसोदिया जी स्वागत है भाई, आया करो लाइव में। राहुल बासुनिया जी लेट हो गए, अंगूर अनुसंधान केंद्र इतनी बार पढ़ा दिया, अंगूर कच्चे से पक्के भी खत्म हो गए, अंगूर की दारू भी बन गई, पर आप लेट आए और दारू भी बढ़ गई उसके बाद, और नशा चढ़ के उतर भी गया, इतने लेट हो गए आप, समझ रहे ना, अंगूर कच्चे थे, अंगूर पक गए, अंगूर की दारू बन गई, दारू पी भी ली, नशा भी चढ़ गया, उतर भी गया, तब आए आप। अरे रविराज सोलंकी लड़कों के कमेंट देखो, रविराज तुम लड़के ही हो ना, तुम्हारे देख रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स, रतलाम सेलाना में कि सेलाना रतलाम में, अरे देखना रे कोई अंगूर का वो नशा करके तो नहीं आयो। प्रवेश निन्मा जी बहुत बढ़िया भाई, रतलाम से आप। नेक्स्ट पर आइएगा, ये बात कर रहा हूं मैं रतलाम जनसंघ की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रतलाम जनसंघ की, ठीक है ना, रतलाम जनसंघ की। हेलो, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये है रतलाम जनसंघ, ठीक है ना, ये रतलाम जनसंघ की अगर बात करें तो रतलाम जनसंघ में देखिएगा, ये रतलाम जनसंघ का सामने देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखी होगी जब भी मेट, जब भी मेट, ठीक है ना, जब भी मेट एक मूवी है, फिल्म है, फिल्म है, शाहिद कपूर और करीना कपूर जो उसमें अभिनेता और अभिनेत्री रहे हैं, वो आपने देखा होगा एक दृश्य आता है रेल से छूट जाने का, वो दृश्य यही फिल्माया गया रतलाम जनसंघ पर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। हां अगर मैं आपसे कहूं सत्येंद्रपाल सर आप, मैं आपका फैन हो गए, अच्छा पढ़ाते हैं कि आप मेरा फेवरेट हो, बहुत बढ़िया सत्येंद्रपाल जी, धन्यवाद, ठीक है ना, ठीक है। देखो आप भाई, यहां से एक चीज और बता दूं मैं आपको, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे जनसंघ कहां पर है? इटारसी में। सबसे बड़ा रेलवे जनसंघ कहां पर है? इटारसी में, ठीक है ना, सबसे बड़ा रेलवे जनसंघ कहां पर है? इटारसी में। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के पश्चिम में जाओगे आप, मध्य प्रदेश के पश्चिम में जाओगे तो फिर वही रेलवे जनसंघ में रतलाम जो होता है लीड करता है, ठीक है ना। रतलाम जनसंघ की बात करें तो वो राजस्थान के कोटा को भी अपने में शामिल करे हुए, ठीक है ना, तो राजस्थान का जो कोटा है वो रतलाम जनसंघ के संभागीय मुख्यालय के तौर पर जुड़ा हुआ है, तो ये रतलाम का जनसंघ बता रहा हूं, ठीक है ना।
ठीक है हाँ, दर्शिका शक्तावत जी कह रहे हैं आपने बजरंग टीनी बताइए, तो ऐसे तो पता है। ज्योति सेन कह रहे हैं सब फेन हो गए आपके, तो हम आपके एसी हो गए हैं, आ जाओ कोई कूलर पंखा भी बच्चा हो कोई, ठीक है। अच्छा देखिएगा, ऐसे तो कहा है, मुझे एक चीज और मिली थी कि रतलाम अपने यहां पर समोसा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं, ये चिल्ला चोट कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा यहीं पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, पावर एल्कोहल, ठीक है ना, ये कलर दिख पा रहा है, देखना संतोष भाई दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, यहां से याद रखिएगा, पावर एल्कोहल प्लांट कहां पर है, ये आपका उद्योग में छूट गया था, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वहां पर लिखा नहीं है। पावर एल्कोहल प्लांट याद रखिएगा रतलाम में, पावर एल्कोहल प्लांट कहां पर है, रतलाम में है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आतर सिंह, धन्यवाद भाई। पावर एल्कोहल प्लांट कहां पर है, रतलाम में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलिएगा, देखिएगा ये है हुसैन टेकरी, ये जिसकी आप बात कर रहे थे हुसैन टेकरी जावड़ा, ये फोटो जानबूझकर ये वाली इसलिए लगाई गई कि ताकि आप यहां से देखें और समझे कि स्थान की खासियत क्या है। तो ये है हुसैन टेकरी, कौन सी जगह है, ये है हुसैन टेकरी, जगह का नाम है हुसैन टेकरी, ये हुसैन टेकरी है और रतलाम जिले में आती है, लेकिन कहां पर आती है, जावरा में, जावरा रतलाम में। आप देखिएगा जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, सभी धर्म के लोग प्रायः यहां पर सभी धर्म के लोग आते जाते हैं, और सबसे खास बात मैं बता दूं और प्रमाणिकता के तौर पर बता दूं मैं, आप इसको बिल्कुल मजाक ना लीजिएगा, जो एक बुरे तंत्र मंत्र के साथ में भूत प्रेत आत्माओं वाले जो चाल चलन होते हैं, जिससे कि इंसान के जीवन को बर्बाद करने का बड़ा ठग प्रचलन चल रहा है, वहां पर ये जो जगह है कौन सी, रतलाम की जावरा में हुसैन टेकरी, निश्चित तौर पर ऐसा मानो कि 100% इलाज के लिए आप यहां पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये हुसैन टेकरी जो है मेरे दोस्त, ये पूछा जाता है ये हुसैन टेकरी कहां पर है, तो ये जावरा में है, कहां पर है, जावरा रतलाम में है। दो चीजें याद रखिएगा, रतलाम के जावरा में हुसैन टेकरी आती है, ठीक है ना। ले इलाज क्या होता है, आपने लिख तो दिया ले इलाज बेटा, आपने ले इलाज तो लिख दिया, ले इलाज का मतलब ही होता है ला इलाज होता है, वो क्या होता है, ला इलाज, ठीक है ना, क्या होता है, ला इलाज। तो ला इलाज मतलब कि ऐसी बीमारियां, ऐसी चीजें जिनका इलाज जहां संभव ना हो वो यहां पर संभव है, ठीक है। भगा देते हैं भूत को, बिल्कुल भगा देते हैं, ठीक है ना। धार डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, भगदड़ मचने से 2 दर्जन लोगों की मौत हुई थी 2012 में, बहुत बढ़िया। अरे बेटा होता रहता है, तो भीड़ लग जाती है, कहीं पुल टूट गया तो किधर हो गए, ठीक है ना। ओके देखो, एक होता है गुलाब चक्र, यहां पर देखने के लिए आए जो पर्यटन चीजें, गुलाब चक्र। एक है काली का मंदिर, कौन सा है, गुलाब चक्र हो गया, एक हो गया काली का मंदिर। अगर आप रतलाम जाए तो रतलाम के संदर्भ में यहां पर लिख दे रहा हूं, इसी में से निकालिएगा। एडीआर अलीराजपुर कह रहे भूत क्या होता है, अब मैं कहा बोलू तो मैं भूत का होता है, हाँ ठीक है भाई साहब, ओके ठीक है ना। अमृत सरोवर में मिलेगा, चंद्रशेखर महादेव मंदिर मिलेगा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर महादेव मंदिर, चंद्रशेखर महादेव मंदिर, चंद्रशेखर महादेव मंदिर भी कहां पर मिलेगा, रतलाम में मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो रतलाम के संदर्भ में और आपको ध्यान रखने जैसी चीजें हैं। ओके धोलावट डैम भी है, बिल्कुल सही है भाई, रतलाम से है, प्रभास जी रतलाम से है। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या कह रहे सर, लाइक करने का बोल दो, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल टाइम नहीं दिया, लाइक करो जल्दी से, ये लेक्चर समाप्त हो रहा है, 1328 लाइक है, प्लीज मेरे दोस्त सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, रतलाम जिला एक ही लेक्चर में समाप्त हो गया है, इसे लाइक करके जल्दी से 1500 पर जल्दी से लाइक पहुंचाइए, इसके लाइक कीजिए, भूल गए थे ना, लाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, भूल गए थे हमने ध्यान नहीं दिला, हमारी गलती है, कई बातों ये तो हमारी गलती है, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट पर जाएं, जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद में अब आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब रतलाम जिला आपका जो है उज्जैन संभाग में 7 जिलों में से 6ठा जिला था रतलाम, 7वां एकमात्र जिला बचा है जिला शाजापुर। शाजापुर यहां पर आपने, यहां भी शाहजहां के बारे में चर्चा की,
साजापुर का नामकरण ही शाहजहांपुर के नाम पर हुआ है, शाहजहांपुर नाम था उसका, अर्थात शाहजहां, वो भी मुगल शासक। उसी में आता है सुजालपुर, याद करो सुजालपुर, और उसी में आपको नाम मिलेगा शाहजहां के बेटों के नाम मिलता है जब शाह सुजा का नाम मिलता है, ठीक है ना, और उसके साथ में औरंगजेब भी आता है, मुराद भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसे इनके बेटों के नाम पर भी वहां के शहरों के नाम रखे गए हैं, तो उसके संदर्भ में भी कल चर्चा करने वाले हैं। और वन क्षेत्र की बात करें तो फिर साजापुर जो है सेकंड नंबर पर न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है, तो ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, छोटा है, लेकिन हम वहां पर प्रमुख कवियों की स्थली रही है जन्मभूमि, वो पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चलिएगा। तो भाई साहब सभी का धन्यवाद, और कल मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में जिला साजापुर के साथ, उज्जैन संभाग समाप्त कर दूंगा। और भाई साहब जो भी कहीं से, मैं आपको बता दूं, सागर संभाग शुरू करूंगा, और सबसे पहले सागर जिला पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सागर में जिले 6 हो गए हैं अब, नहीं तो भोपाल पढ़ा देता मैं। सागर जिला पढ़ाऊंगा, सागर संभाग, सागर, दमोह और टीकमगढ़, निवाड़ी, समझ में आ रहा, पन्ना और छतरपुर वाले, तो कहोगे तैयार होगा, बिल्कुल सही। चलिए भाई, जय हिंद, धन्यवाद।